हमने जो पिछले बार मलेरिया के बारे में जो पढ़ा था, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए टाइफाइड। ठीक है, आप टाइफाइड की किट को देख रहे हैं, तो इसको हम आज बताएंगे, इसी में पूरा डिटेल्स। ठीक है, तो हमारे आप चैनल पे बने रहें। ठीक है, और अगर नए हैं आप हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल का जो यूट्यूब चल रहा है वो डॉक्टर साहिबान फार्मेसी को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आज चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइफॉइड है ना। सबसे पहले हम हेडिंग को लिखते हैं। ठीक है, टाइफॉइड। तो ये टाइफॉइड एक बीमारी, समझे ना। तो टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए, उसे जांच करने के लिए, कैसे टाइफॉइड को जांच कर सकते हैं, एक किट आती है, किससे इससे हम कैसे जांच कर सकते हैं। ठीक है, आप घर में अगर हैं, अगर किसी भी तरह से चाहते हैं कि अगर आपको बुखार बार बार आ रही है, पेट में दर्द हो रही है, तो आप खुद से अपने घर में एक किट ला करके, मेडिकल शॉप से खरीद करके, इस टाइफॉइड किट को खरीद करके और घर में जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है कि आप जाएंगे डॉक्टर के पास ही जांच करवाएंगे, या तो आपके नजदीकी कहीं जांच घर है तो उस जांच घर में आप जाकर के जांच करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये रही कि कोई भी एक अगर जांच घर होती है तो वहां क्या होता है कि अगर अच्छा टेक्नीशियन है, अच्छे लोग हैं, तो अच्छी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, यानी आपको अच्छी टेस्ट हो जाएगी इसके थ्रू। तो इसमें मेनली जो हमें जरूरत पड़ती है ना, वो हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम इसमें क्या जो टेस्ट करते हैं वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ये एंटीबॉडी टेस्ट किसका होता है, तो एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज की जाती है, वो टॉक्सिन यानी कौन सा बैक्टीरिया है, जिसको कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये आप एक और चीज हम बता देते हैं। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक, यानी किसके द्वारा, टाइफॉइड में ये ब्लड में हमारा एंटीबॉडी छोड़ता है, कौन, एक साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, उसके द्वारा टॉक्सिन रिलीज की जाती है, वो एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाता है किसके विरुद्ध, ये साल्मोनेला टाइफी के विरुद्ध, इसके विरुद्ध एक एंटीबॉडी बनाता है हमारा शरीर में, किसके द्वारा बनता है, प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो आपको समझना यह है कि आप हमारे जो गांव देहात क्षेत्र है उसमें क्या कहता है कि आपको मलेरिया और टाइफॉइड, यानी ये टाइफॉइड हम ये देख लिख रहे हैं, मलेरिया है ना, तो बोल देता ना आपको मलेरिया टाइफॉइड हो गया। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी इंसान को अगर होगा तो एक बीमारी होगी, या तो मलेरिया होगी या तो टाइफॉइड होगी। मलेरिया का जो वीडियो है मैंने अगला वीडियो यानी लेक्चर 2 में मैंने दिया है, लेक्चर 1 में मैंने डेंगू के बारे में दिया है, लेक्चर 2 में हमने मलेरिया के बारे में पढ़ाया है, और लेक्चर ये 3 हमारा है, ये हमारा है लेक्चर 3। ठीक है, ये यानी लेक्चर 3 में हम टाइफॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइफॉइड एक ऐसा बीमारी है जो हमारा इंटेस्टाइनल यानी गट में, जो हमारा जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं ना कहीं एक जा करके ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी वहां इन्फेक्शन कर देती है। क्या करता है, सबसे पहले देखिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद में मलेरिया पे जाएंगे, प्रोसेस क्या है वो आप समझ लीजिए, मैं किट को आपको बताऊंगा ही, लेकिन प्रोसेस समझ लीजिए। ये साल्मोनेला टाइफी हमारा शरीर में, यानी कि आपका अगर ये माउथ है, ठीक है,
ये अगर ये माउथ है, ये आपका नोज है, ठीक है। ये माउथ से अगर आपका आया और ये कहाँ पे चला गया, थोड़ा ये स्टोमिक में चला गया, और ये स्टोमिक से आपका ऐसे 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 करके आपका ये इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन होकर के एनास्थरो पैखाना से बाहर कर गया, ठीक है। तो इस रास्ते में होने वाले इन्फेक्शन काउजेटिव एजेंट सर्वोनेला टाइफी, ठीक है। आज एक और बात बता देते हैं, आज हमको खुशी हुई इसीलिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि रात को मैं जगा हुआ हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन क्या दे सकता हूँ। लेकिन आप लोगों का सब्सक्राइब आज देखा अचानक जो बढ़ी, मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, इसीलिए मैं मतलब हल्का सा हमें नींद भी आ रही है और मुझे मजबूरन आकर के वीडियो को बनाना पड़ा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कम टू द पॉइंट, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम कोई भी अगर जैसे, अच्छा दूसरी बात ये होती है ना कि एयरबॉर्न डिजीज है, AIR बॉर्न डिजीज है ना, एयरबॉर्न डिजीज। इसलिए मैंने बताया कि देखिए, आप किसी एक थाली में देता हूं, इस थाली में आपका कुछ अनाज रखे, ठीक है, इस थाली में कुछ अनाज रखे हैं अपने खाने के लिए, इसको खुला छोड़ दिया, इसमें क्या होगी, मच्छी आकर के बैठी और मच्छी आकर के मक्खी वगैरह इसमें कुछ अपना कीड़ा वगैरह कीड़ा मकोड़ा जो बैठा, इसमें क्या किया, इस पे कुछ टॉक्सिन को रिलीज किया, अपना कुछ गंदे पदार्थ को छोड़ दिया, खाया खाया उड़ गया, फिर यहाँ क्या हुआ, बैक्टीरिया पनपने लगा। अब उसी में क्या करते हैं हम लोग, खाना अगर छोड़ देते हैं उसमें बैक्टीरिया हो जाती है, ठीक है। अब उसी खाना को हम क्या करते हैं, जाते हैं हाथ धोते हैं, खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में क्या होता है, यही हमारा शरीर में जाता है, और शरीर में जाता है तो किस तरह से जाता है भाई, तो शरीर में हमारा इस तरह से जाता है, ठीक है। थोड़ा इसको हम मिटा देते तो आपको लगेगा अच्छा से देखने में, ठीक है। ये आपका नोज रहा है ना, और ये ऐसे करके, ये आपके कान रहे, ये आपके आंख रहे, है ना, और ये आपके ऐसे करते हैं, तो ये आपका चेहरा है ना। तो इसमें जो खाना आपने खाया, इसके अंदर जो फूड आपने खाया, आपने क्या, मैंने प्लेट ला करके दिखा दिया, प्लेट में आपने क्या किया, खाना खाया, और ये फूड आपका ऐसे करके चबाया अपने दांतों से, इसको अपने दांतों से इसको चबाया, और ये चबा करने के बाद में ये पेट में चला गया, और पेट में क्या हुआ, वो एसिडिटी बन गया। अगर पेट में घाव नहीं कर पाया तो वहां क्या होता है कि बैक्टीरिया इसमें 1 से लेकर 2 इसमें पीएच रहता है, पीएच मतलब ये एसिड रहता है यहाँ ज्यादा करके, तो यहाँ बैक्टीरिया कुछ मर गया, लेकिन मरने के बाद में अगर किसी तरह से बच गया तो आकर के ये इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है या बड़ी आंत होती है उसमें ये घाव कर देता है, ठीक है। कौन सा घाव करता है, साल्मोनेला टाइफी, जो किसका काउजेटिव एजेंट है, टाइफॉइड का, किसके द्वारा हो रही है, दूषित पानी, दूषित जल, दूषित फूड, यानी जो इन्फेक्टेड फूड्स मटेरियल्स हैं, इन्फेक्टेड आपके जो वाटर्स हैं, ठीक है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसलीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप गर्म पानी करके उसको पिया करें, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो उस जगह पे ये टाइफाइड ज्यादा होने का चांस रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका हुआ, और ये इंटेस्टाइन में मेनली इसका जो रहता है, मेनली इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये इंफेक्शन इंटेस्टाइन में ही ज्यादा करके शो करता है, ठीक है, कौन, साल्मोनेला टाइफी। लेकिन हमारा गांव क्षेत्र में, फिर आपको पीछे ले जा रहे हैं, हमारा गांव क्षेत्र में क्या कहा जाता है कि हमारा जो मलेरिया आपको क्या हो गया, जो क्वेक है, जिनको जानकारी नहीं है, जो लक्षा जिसको कहते हैं, वो क्या कहता है कि आपको ना मलेरिया टेम्पर हो गया। टेम्पर तो नाम तो है नहीं,
ठीक है, सबसे पहले आपको समझा देता हूँ मैं, मलेरिया टेम्फर तो है नहीं, क्या है मलेरिया टाइफॉइड भी नहीं है, क्योंकि दो बीमारी एक साथ नहीं होती है। मलेरिया का आपका रिलेशन क्या है, ये मच्छर के द्वारा से होता है, यानी कि ये मच्छर के द्वारा से होता है, ठीक है, ये मच्छर के द्वारा से होता है। कब होती है, जहां पानी का जमाव रहता है वहां मच्छर बैठता है, अंडे देता है, उसके चूजे बनते हैं, और ये फिर जाकर के इन्फेक्टेड हो जाती है, और इन्फेक्टेड एनाफिलीज जो मच्छर है वो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। फिर वो मच्छर आपके शरीर पे बैठा, यानी कभी ऐसा होता है मलेरिया में कि एक इंसान को मलेरिया हुआ, वही दूसरे उस इंसान के ऊपर मच्छर बैठा, मच्छर काटा, फिर उसके शरीर में चला गया, मच्छर के शरीर में चला गया इन्फेक्शन, फिर वो किसी और घर के इंसान को काटा तो उसको भी मलेरिया पकड़ लिया, यानी इस तरह से ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा, मादा एनोफिलीज मच्छर यानी फीमेल एनाफिलीज एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ये मलेरिया ट्रांसफर होता है, मलेरिया ट्रांसफर होता है। लेकिन आपका खाना इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड फूड्स यानी दूषित पानी, दूषित जल और ये हवाओं कणों से जो हमारा होता है वो टाइफाइड होता है, और इसमें जो हमारा जो ऑर्गेन अफेक्टेड होता है, इसको बता रहे हैं, इसमें जो ऑर्गेन अफेक्टेड होता है मलेरिया में हमारा लीवर, ठीक है, लीवर, और इसमें जो रहता है वो इंटेस्टाइन, समझे ना, यानी इसमें छोटी आंख हो या बड़ी आंख हो, जीआई ट्रैक इन्फेक्टेड, ये हमारा अफेक्टेड हो जाता है, ये उसका नाम है बैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें जो रहता है वो प्लाज्मोडियम रहता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, और इसमें जो रहता है वो लीवर होता है, ठीक है, जिसको हेपेटोसाइट हाइपनोस हेमटोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो लीवर। तो अब कहां कितना अंतर हो जा रहा है, आसमान जमीन का अंतर, अब देख रहे हैं आसमान जमीन का अंतर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार ये जो है हमने हमने जो देखा उसमें क्या है कि आपका लीवर और कहां इंटेस्टाइन, ठीक है, कहां याद और कहां लीवर, बहुत अंतर हो जा रही है ना, लीवर को आप कलेजी भी बोलते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइन जिसको पचौनी बोलते हैं, ठीक है, वहां इन्फेक्शन होना बहुत आसमान जमीन का अंतर है, लेकिन हमारा गांव तरफ में झोला छाप डॉक्टर क्या कह देता है, मलेरिया टेम्फर हो गया, यानी उसको नाम भी नहीं आ रहा है, मलेरिया टाइफाइड हो गया, यानी उसको ये भी पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या होती है, या तो मलेरिया होती है या तो टाइफाइड होती है, बट वी आर डिस्कशन अबाउट ओनली टाइफाइड, नो डिस्कशन अबाउट मलेरिया, बिकॉज वी हैव रीजन in the other next chapter, you, if you want to interested in my video and interested in malaria topic, then you can consult my video number lecture 2, which is only perform on the knowledge on malaria topics. So that's why we are going to study about, we are going to knowledge, take knowledge about what टाइफाइड। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं और हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा है टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड, टाइफाइड को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यहां तक हमारी डिस्कशन हो गई, हमने क्या था वो चीज पढ़ लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि टाइफाइड के एक किट को, ठीक है, तो हम एक टाइफाइड को किट को लाए हैं बाजार से खरीद के, मेडिकल से स्टोर से खरीद ले सकते हैं, हमने मेडिकल स्टोर से खरीद करके लाया है। अब देख रहे हैं टाइफाइड की ये किट है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम फाड़ते हैं, ठीक है। देखिए अभी पूरा पैक है ना, ये सारा इधर जो है वो डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह लिखा हुआ है ना, तो ये आप देख सकते हैं ये टाइफाइड का किट है, ठीक है। और ये किट को हम अभी ओपन करते हैं, तो इसमें देखिए कि कितना जंतर मंतर दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए हम फाड़ दिए,
चलिए फट गया। फटने के बाद में हम इससे देखिए अब क्या निकालते हैं, ये हमारा किट है ठीक है, जिसमें देखिए हमारा ग्रेजुएटेड किया गया है। क्या दिया हुआ है इस जगह पे हमें दिखा रहा है, किट कह रहा है कि इस जगह पे देना है आपको ब्लड यानी कि सैंपल, जिसमें क्या जरूरत पड़ता है, या तो आप सीरम दे सकते हैं, सीरम दे सकते हैं, प्लाज्मा दे सकते हैं ठीक है, या तो फिर ब्लड दे सकते हैं। तीनों कंपोनेंट में कोई एक दे सकते हैं। कितना मात्रा होना चाहिए, 0.20 माइक्रोन लीटर ठीक है, फिर पाइपेट से दिया जाता है ठीक है। अगर वो नहीं है तो ये कहता है, कंपनी कहती है कि हम इसके साथ में एक ड्रॉपलर दिए हुए हैं, इस ड्रॉपलर का इस्तेमाल करें और इसमें उठाएं और हल्का सा इसमें लेगा, इसमें ग्रेजुएटेड भी किया हुआ है, आपको दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे ग्रेजुएटेड भी किया है ठीक है, इसमें नहीं लिखा रहा है, इसमें यहाँ लिखा गया। तो इसमें इतना सा इसको उठाना है और इसमें एक बूंद दे देना है। इसको देने के बाद में एक बफर आता है, इसका टाइफाइड का बफर आता है, जैसे देख रहे हैं आप टाइफाइड की बफर है, उस बफर को एक ड्रॉप डालेंगे, डालने के बाद में 15 मिनट तक हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, एक सतह लेवल जो रहती है उस लेवल पे छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद में हम रिपोर्ट को देखेंगे तो हमारे पास में कुछ चेंजेज आते हैं, जिसमें चेंजेज आते हैं, क्या चेंजेज आते हैं, हमारे पास में सी जी और एम है ठीक है। तो इसका मतलब होता है, सी का मतलब कंट्रोल, जी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन जी, और एम का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन एम ठीक है। तो इसमें हमारी एक अगर कैसे कैसे हम रिपोर्ट को लिख सकते हैं ठीक है, देख लीजिए आप किट को दिखा दे रहा हूं मैं, काट दिया फाड़ दिया ठीक है। इसमें कुछ एब्जॉर्बेंट दिया जाता है जो इस किट को बचाए रखती है ठीक है, ये देख रहे हैं सिलिका जेल है ठीक है, सिलिका जेल है जो एब्जॉर्बेंट में काम करता है ठीक है। फिर हम इसको इसी में रख देते हैं। अब हम समझाते हैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको ठीक है, बोर्ड पे समझाते हैं इस तरह। चलिए टाइफाइड इसको थोड़ा सा बिठाते हैं हाँ, तो ये हमारा हो गया किट, थोड़ा सा लंबा हम ले रहे हैं किट को हाँ, ये हमारा हो गया किट। एक दूसरा किट हम ले लिए और एक तीसरा किट ले लिया हमने ठीक है, एक और चौथी किट हम ले रहे हैं। किट के लिए बीच में एक स्ट्रिप दिया हुआ है वो हम ले रहे हैं है ना, एक ऊपर में सैंपल देने का जगह है वो भी दे रहे हैं, ये सैंपल देने का जगह है, ये सैंपल देने का जगह है, ये हमारे बीच में एक ठो किट का जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप को खींच रहा हूं मैं, ये स्ट्रिप का को खींच रहा हूं मैं है ना। चलिए अब दो चीज हमें जाननी होती है कि आपकी कार्ड वैलिड है या कार्ड आपकी इनवैलिड है ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी होगी, कार्ड वैलिड अगर है, देखिए इसमें सब चीज में रहती है सी इम्यूनोग्लोबिन जी इम्यूनोग्लोबिन एम, कंट्रोल इम्यूनोग्लोबिन जी इम्यूनोग्लोबिन एम, सी सी इम्यूनोग्लोबिन जी इम्यूनोग्लोबिन एम, कंट्रोल इम्यूनोग्लोबिन जी इम्यूनोग्लोबिन एम ठीक है। तो देखिए वैलिड कार्ड इनवैलिड कार्ड में एक ही चीज फर्क होता है कि जैसे हम ब्लड को इसमें डालें, डालने के बाद में ये सैंपल को हम जैसे डालें, डालने के बाद में बफर को ऐड किए, बफर ऐड करने के बाद एक बूंद डालें, उसके बाद में अगर कंट्रोल में हमारा लाइन आ गया तो कार्ड हमारा वैलिड है ठीक है। ये जो हमने खोला इसको लास्ट में हो सकता है तो हम दे देंगे, या तो दूसरा वीडियो जो बनाएंगे उसमें लाइव करके हम अपनी ब्लड दे करके आपको बता देंगे ठीक है। तो अगर हमने देखना है कि ये वैलिड कार्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, या तो इसमें ब्लैंक आएगा पूरा में अपने ब्लड डालने के बाद में, इनवैलिड का मतलब होता है एक्सपायर हो गया किट ठीक है, इनवैलिड किट का मतलब होता है वो किट एक्सपायर हो गया, एक्सपायर का मतलब वो काम का ही नहीं रहा किट, जब काम का ही किट नहीं रहा तो हमारा टेस्ट भी नहीं हो सही हो गया है ना। अब क्या होता है कि किट में अगर यहां लाइन आ गया जी में लाइन आ गया तो भी इनवैलिड है, अगर एम में लाइन आ गया तो भी इनवैलिड है ठीक है,
और अगर पूरा ब्लैंक रहा किट के बीच में तो भी इनवैलिड है। लेकिन वैलिड के लिए जरूरी है कि हम जैसे सैंपल में एक ड्रॉप से, इस ड्रॉप से अगर हम यहाँ डालें, है ना, इस ड्रॉप से अगर हम यहाँ, इस ड्रॉप से अगर हम यहाँ एक बूंद डाल दिए, ठीक है, तो क्या हो गया, इसको प्रेस किए डालें और उसके बाद में बफर को डालें और हमारे यहाँ सी में एक लाइन आ गया, उसको कहते हैं कंट्रोल, यानी कि हमारा किट सही है, वैलिड हो गया। ठीक है, जब किट वैलिड हो गया तो अगर जी में लाइन नहीं आया, एम में आया, लाइन नहीं आया, तो उसको बोलते हैं कि टाइफाइड, हम यहां पे टाइफाइड का बात कर रहे हैं ना, तो टाइफाइड हमारा नेगेटिव है। रिपोर्ट में लिखेंगे, रिपोर्ट में लिखेंगे नेगेटिव। क्या चीज नेगेटिव? हमारा टाइफाइड का आईजी नेगेटिव, जी नेगेटिव और एम नेगेटिव। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी केट में जाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे, एक ड्रॉप हम इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, सैंपल को, ब्लड को, सीरम को, या तो फिर हम या तो सैंपल लें, सैंपल में से या तो सीरम को लें, या तो प्लाज्मा को लें, या तो हम ब्लड को लें। हम जैसे लेंगे 25 माइक्रोन, उसके बाद में एक ड्रॉप हम इसमें बफर डालेंगे, डालने के बाद में देखेंगे हमारा किट सी में आ गया लाइन, यानी कि हमारा किट सही है। किट सही है इसका मतलब हमारा, इसमें देखते हैं क्या रिपोर्ट क्या आता है, इसमें हमारा नेगेटिव रिपोर्ट था। अगर मान लीजिए आपका इसमें एम में लाइन आ जाता है, तो आपको रिपोर्ट में लिखना होगा, रिपोर्ट में लिखना होगा कि आपका जो टाइफाइड का किट है, यानी टाइफाइड एम, इम्यूनोग्लोबिन एम पॉजिटिव, यानी जिसमें लाइन आया वो पॉजिटिव, जी में नहीं लाइन आया तो जी नेगेटिव। ठीक है, अब तीसरे किट में चलते हैं। तीसरे किट में क्या होता है कि जी में लाइन आया, सी में लाइन आया, कब लाइन आया, जब इसमें हम माइक्रोन 20 माइक्रोन ब्लड दे दिए और हम पत्थर को एक रूम दे दिए, उसके बाद में अगर हम देखें कि लाइन आ गया कुछ देर के बाद में सी और जी में, तो हम लिखेंगे ये हमारा कार्ड तो सही हो गया, वैलिड हो गया, तो कार्ड वैलिड हो गया, तो इसका रिपोर्ट हम लिखेंगे, रिपोर्ट में लिखेंगे कि हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन जी ऑफ टाइफाइड इज पॉजिटिव, है ना, और आई एम जो है, इम्यूनोग्लोबिन एम जो है वो नेगेटिव, रिपोर्ट हो गया। अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें अगर हम जैसे एक ड्रॉप 25 माइक्रोन ब्लड दिए, एक ड्रॉप हम बफर दिए, उसके बाद में इसमें देखें तो हमारा सी में लाइन आ गया, तो हमारा कार्ड वैलिड, वैलिड हो गया कार्ड, तो इसमें अगर हमारा जी में भी आ गया लाइन, एम में भी लाइन आ गया, तो हम इसको लिखेंगे कि रिपोर्ट आई जी इम्यूनोग्लोबिन जी इम्यूनोग्लोबिन एम बोथ पॉजिटिव। ठीक है, तो यही था हमारा टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड को आपने कैसा समझा, टाइफाइड को आप कैसे जानते हैं, टाइफाइड को आपको जब वीडियो बना हमारा वो आपको कैसा लगा, आप हमें हमारे यूट्यूब के चैनल में कमेंट सेक्शन में आकर के और क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम आपके फीडबैक का इंतजार करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।